दोस्तों मारुति सुजुकी ने इंडिया में अपनी मेन हैचबैक सिलेरियो को पहली बार साल 2014 में इंट्रोड्यूस किया था और यही वो जिसकी पहली एंट्री लेवल कार थी जिसमें एएमटी अवेलेबल करवाया गया था। और हाल ही में कंपनी ने अपनी इस पेशकश को और आगे बढ़ाने के लिए और इसे खास बनाने के लिए सिलेरियो को एक नए जनरेशन को लॉन्च किया है। और नए जनरेशन सिलेरियो के एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स में काफी सारे चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। दूसरी ओर ह्यूंडई के पास एंट्री लेवल सेगमेंट में सेंट्रो है जो कि ब्रांड की सबसे पुरानी कारों में से एक है। इस कार को पहली बार भारत में साल 1998 में लॉन्च किया गया था जबकि इसका सेकंड जनरेशन मॉडल को 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया और फिर BS6 नॉर्म्स आ जाने के बाद इंडिया में इसे 2020 में फिर से लॉन्च किया गया। और ये एंट्री लेवल कार भी देश में काफी अच्छी खासी पॉपुलर है और ह्यूंडई के लिए काफी अच्छी सेल्स के मामले में हर बार परफॉर्म करके दिखाती है। सो आज किसी वीडियो में इसीलिए हम 2021 मारुति सिलेरियो और हुंडई सेंट्रो को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इसमें से इन दोनों गाड़ियों में से एंट्री लेवल कारों में से आपके लिए कौन सी ज्यादा बेस्ट रहेगी। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। तो चलिए सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो देखिए अगर बात करें सबसे पहले मारुति सुजुकी सिलेरियो की लेंथ की तो इसकी लेंथ 3695 मिलीमीटर, वहीं इसकी चौड़ाई 1655 मिलीमीटर और ऊंचाई इसकी 1555 मिलीमीटर की रखी गई है। जहां तक बात है व्हील बेस की, यानी कि एक टायर से लेकर पिछले टायर तक के इसमें जो बीच में आपको स्पेस देखने को मिल जाता है इसके व्हील बेस की, तो उसका व्हील बेस आपको 2435 मिलीमीटर का व्हील बेस और 170 मिलीमीटर का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर कर दिया गया है। जहां तक बात है बूट स्पेस की तो इसमें आपको 313 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस यहां पर कंपनी ने इसमें ऑफर किया है जो कि काफी बढ़िया चीज है। तो अब आ जाते हैं ह्यूंडई सेंट्रो की लेंथ की अगर बात की जाए तो ह्यूंडई सेंट्रो में आपको 3610 मिलीमीटर की इसमें आपको लेंथ देखने को मिल जाती है जबकि चौड़ाई की बात करें तो 1645 मिलीमीटर की इसकी इसमें आपको चौड़ाई देखने को मिल जाती है। और जहां तक बात है इसके इसमें ऊंचाई की तो 1560 मिलीमीटर की यहां पर ये ऊंचाई इसमें रखी गई है। जहां तक बात है व्हील बेस की तो इसमें आपको 2400 मिलीमीटर का व्हील बेस और 235 मिलीमीटर का आपको बूट स्पेस यहां पर देखने को मिल जाता है। सो इस तरह नई मारुति सिलेरियो सेंट्रो के मुकाबले 85 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 10 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है। हालांकि सेंट्रो जो सिलेरियो के मुकाबले 5 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है, हालांकि इससे इतना कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बात की जाए इसमें बूट स्पेस की तो देखिए नए सिलेरियो में जो बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है वो सेंट्रो के मुकाबले काफी ज्यादा है जो कि 78 मिलीमीटर का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। जहां तक बात है इसके इन दोनों गाड़ियों के डिजाइन की तो देखिए डिजाइन के मामले में सब लोगों के व्यू अलग अलग होते हैं। तो जहां तक बात है मेरे व्यूज की तो देखिए अगर मैं अपने पर्सनली बताऊं तो मुझे सेंट्रो का डिजाइन थोड़ा ठीक ठाक लगा अगर इसको कंपेयर करते हैं सिलेरियो के मुकाबले, क्योंकि जो इस टाइम सिलेरियो लॉन्च की गई है ना उसका डिजाइन कुछ इतना खास नहीं है अगर इसको पुराने वाले मॉडल से कंपेयर करते हैं तो। वहीं अगर सेंट्रो की बात की जाए तो इसका जो डिजाइन है इसका टोल बॉय लुक इसमें आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें जो डिजाइन लैंग्वेज है ना वो काफी अच्छी रखी गई है। इन दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी का ज्यादा अच्छा लुक लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब अगर बात करें इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एक एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट पावर विंडोज, रियर पावर विंडोज, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, कीलेस एंट्री, पावर एडजस्टेबल ORVMs, 2 एयरबैग्स, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर जैसे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में कॉमन आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं सिलेरियो में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को मिल जाता है जबकि सेंट्रो में ये अवेलेबल नहीं करवाया गया। इसके अलावा सिलेरियो के टॉप एंड वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं जबकि इसके सेंट्रो के टॉप एंड वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलते। जबकि अगर बात की जाए सेंट्रो की तो इसमें जो है आपको रियर में पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है जबकि आपको सिलेरियो में जो है पार्किंग कैमरा देखने को नहीं मिलता। बाकी अगर बात की जाए इंटीरियर में मिलने वाले डैशबोर्ड डिजाइन की और इंटीरियर डिजाइन की तो देखिए दोनों ही गाड़ियों का इंटीरियर डिजाइन काफी ठीक ठाक रखा गया है। लेकिन अगर बात की जाए मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे कौन से गाड़ी का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है तो मुझे सेंट्रो का डिजाइन इंटीरियर डिजाइन काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक और थोड़ी सी जो उसकी इंटीरियर डिजाइन है वो काफी अच्छी लैंग्वेज उसकी यहाँ पर रखी गई है। जबकि अगर इसके सिलेरियो की इंटीरियर डिजाइन की बात की जाए तो इसमें आपको जो क्वालिटी है वो इतनी खास अच्छी देखने को नहीं मिलती अगर उसको कंपेयर की जाए ह्यूंडई में मिलने वाले इंटीरियर की क्वालिटी से। तो बाकी दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर्स आप देख सकते हो। आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन से गाड़ी के इंटीरियर ज्यादा पसंद आया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बारी आती है इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले पावर ट्रेन और इंजन ऑप्शंस की। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें न्यू जनरेशन सिलेरियो की तो इसमें आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है जो कि अराउंड 66 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं इसमें आपको ट्रांसमिशन चॉइसेस के ऊपर की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 5 स्पीड AMT और 5 स्पीड मैनुअल देखने को मिल जाता है। और वहीं मारुति ये क्लेम करती है कि इसमें आपको 26.68 किलोमीटर की पर लीटर इसमें आपको माइलेज देखने को मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा है। अगर बात की जाए इसमें ह्यूंडई सेंट्रो में मिलने वाले इंजन ऑप्शन की तो इसमें आपको 1.1
1 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि अराउंड 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT दोनों ही ट्रांसमिशन चॉइसेस के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो पावर के मामले में और इंजन के मामले में तो देखिए Hyundai Sentra आगे निकल जाती है, क्योंकि इसमें एक तो आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है और दूसरा इसमें आपको पावर भी Celerio के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल जाती है। अब लास्ट में जहां तक बात है दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस की, तो देखिए नई जनरेशन मारुति सुजुकी Celerio आपको 4.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम से लेकर 6.94 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये आपको देखने को मिल जाती है, जबकि Hyundai Sentra की कीमत 4.76 लाख रुपीज से लेकर 6.44 लाख रुपीज एक्स शोरूम डेली रखी गई है। सो देखिए अगर मैं पर्सनली बताऊं तो अगर आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए तो आप Hyundai Sentra की तरफ जा सकते हैं, जबकि अगर आपको थोड़ा सा फीचर्स और आपको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप Hyundai Sentra की तरफ जा सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और इसमें Sentra के उसमें एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाती है कि जो Sentra है ना Hyundai Sentra वो आपको CNG में भी फिलहाल आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन जो अगर Celerio की बात की जाए तो फिलहाल 2021 Celerio को CNG ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं करवाया गया, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव हो जाता है Celerio के लिए। लेकिन आने वाले समय में हमें जरूर 2021 Celerio में जो है इसमें आपको CNG का ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।